कूनो फेस्टिवल का लुफ्त उठाकर खूब रोमांचित हुए पर्यटक। खबर कराहल से है, जहां विश्व विख्यात कूनो सेंचुरी, जो चीतों का घर कही जाती है, उसमें कूनो रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसमें सभी सुविधाओं से लेस 50 टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 17 दिसंबर से इसका शुभारंभ किया जा चुका है, जिसमें नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने वाले थे, लेकिन राजकीय शोक के चलते ना आ सके। कूनो फेस्टिवल के अंतर्गत 5 दिन के लिए फ्री पैकेज रखा गया है, जिसमें ठहरने से लेकर खाने पीने और सारी एक्टिविटी टेंट सिटी प्रबंधन द्वारा करवाई जा रही है। प्रबंधन द्वारा हॉट एयर बैलून, हॉर्स राइडिंग, जंगल सफारी, शूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग आदि एक्टिविटी कराई जा रही है। यहां रात्रि में मंच पर संगीत, डांस और नौटंकी आदि मनोरंजन करवाए जाते हैं। इन सब आयोजन में दूर दराज से आए पर्यटक और स्थानीय निवासियों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाहर से आए मेहमानों को घने जंगल की वादियां बहुत अच्छी लग रही हैं, जिसमें कराहल घाटी की कारीगरी पर्यटकों को अद्भुत एहसास करवा रही है। कूनो में पर्यटकों को सफारी के दौरान कई तरह के वन्यजीव देखने को मिले। संवाददाता अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट, सुनिए और क्या बोले मेहमान। जी मैम, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा। प्रिया मिश्रा जी, कब से आप यहाँ टेंट सिटी में आई हुई हो? 19 को शाम तक आए थे ना, नहीं सुबह को आए 5 बजे। प्रिया जी, क्या बताना चाहती हैं, कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ, जो कूनो जो वादियों में आप आई हो, जो जंगल की वादियों में, कैसा अनुभव रहा आपका? पहली बात तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा लगा। मतलब थोड़ा ठंडी है, लेकिन अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है, सब कुछ मतलब परफेक्ट है, सर्विस भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, और थोड़ी ठंडी है, लेकिन सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तक आपने क्या एक्टिविटियाँ यहाँ की हैं, जो इनने बताई, क्या क्या एक्टिविटियाँ आप कर चुकी हो यहाँ? पहली बात तो मैं बहुत डरती हूँ, कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की हूँ। उधर हम लोग गए थे अभी, तो वहाँ पे वही राइड्स, थोड़ा बहुत बाइक वगैरह जो भी है वो सब हम लोग ट्राई किए, अच्छा लगा सब कुछ, बच्चे को कराए। जंगल सफारी की आपने? नहीं, वो तो मैं नहीं कर पाई, सॉरी। आपको कैसे पता लगा यहाँ के बारे में, आप कहाँ से आई हुई हो? मैं मुंबई से आई हूँ, मेरे हस्बैंड थोड़ा ब्लॉगर है ना, तो उन्हीं के वजह से मैं भी यहाँ आ गई। अच्छा, तो उन्हें इस बारे में पता लगा होगा कि कूनो टेंट सिटी में बनाई जा रही है, तो वहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। यहाँ के बारे में आपको पता है, चीता के लिए ये फेमस है सेंचुरी? हाँ, ये तो पता था मुझे। और क्या कुछ अनुभव रहे, क्या लोग आना चाहें वहाँ से? आप इतनी दूर से आई हैं, महाराष्ट्र से आई हैं आप, तो क्या लगता है यहाँ कैसा आना चाहिए लोगों को? हाँ, आना चाहिए, MP अच्छी जगह है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है देखने को, सब कुछ मिलता है नया नया, अच्छा लगा सब कुछ। हम लोग भी पहली बार आए, अभी पहली फर्स्ट टाइम ही अच्छा लग रहा है, थोड़ा आने का बार बार आएंगे तो और ज़्यादा सब कुछ मालूम पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम ही बहुत अच्छा लगा। यानी इस बार आने से आपको उम्मीद जगेगी आप फिर दोबारा यहाँ पर आए? यस। आज हम मौजूद हैं कूनो टेंट सिटी में, जहाँ फेस्टिवल बनाए जा रहे हैं 5 दिनों के। CM डॉक्टर मोहन यादव भी आने वाले थे, लेकिन वो राजकीय शोक के कारण ना आ सके। यहाँ कुछ जो हमारे पर्यटक ठहरे हुए हैं, उनसे ये मिलके जानेंगे क्या उनके यहाँ अनुभव रहे हैं। जी, एंड क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा चौधरी है, मैं जबलपुर से आई हूँ। जी, आप यहाँ लगभग 3 दिन से हैं यहाँ पर आप? हाँ जी। कैसा आपका रहा यहाँ अनुभव, क्या कुछ एक्टिविटियाँ यहाँ कराई गई हैं? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने का जो निश्चय लिया है, उसमें कूनो पार्क में जो हम लोगों ने चीता बुलाए हैं, और चीता चूँकि हमारे इंडिया में होते नहीं हैं, और बाहर से बुलाकर हम सब ये देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि हम बाहर के लोगों को भी कितने, बाहर के लोगों को मतलब पशुओं को भी हम कितने अच्छे से रख सकते हैं। तो अभी जो आप 3 दिन से यहाँ हो, यहाँ क्या एक्टिविटियाँ यहाँ कराई गई उसके अलावा? जो सफारी है, इसके अलावा हमने पैरा ग्लाइडिंग की, पैरा मोटरिंग की, हार्ट बैलून किया, सब एक से एक बहुत सुंदर था। जो यहाँ टेंट सिटी बनाई गई है, क्या कुछ इनमें व्यवस्थाएं हैं, क्या कहीं कुछ कमियां हैं क्या इसमें? नहीं, इबोक कंपनी जो ये टेंट सिटी बनाती है, ये बहुत ही अच्छी रहती है, और मैं इबोक कंपनी की तरफ से करीब 5वीं बार इन टेंट सिटी में आई हुई हूँ। मैंने गांधी सागर भी देखा हुआ है, बनारस भी देखा है, यूनिटी ऑफ स्टैचू भी देखा हुआ है। लगभग आपने हर वो चीज़ देखी है जो फेमस है, कैसा लगा आपको इस कूनो इस क्षेत्र में आके? ये काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो श्योपुर लास्ट का एक जिला माना जाता है, यहाँ का क्या आपको लगा, कैसा इसमें जंगल है, क्या इसमें आप बताना चाहती हैं, टेंट सिटी के अलावा माहौल कैसा है यहाँ का? टेंट सिटी के अलावा यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, पीसफुल है, आजू बाजू के गाँव वाले भी बहुत अच्छे हैं, और जो सफारी का एरिया है वो भी बेहद सुंदर है। तो अभी आप यहाँ तक कब तक रुकने वाली हैं यहाँ पे आप? हम यहाँ से कल वापस जा रहे हैं।
मैडम हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने कहा है कि हर व्यवस्था यहाँ अच्छी की गई है, टेंट सिटी में भी हर वो व्यवस्था है जो उन्होंने बताया, वैसा पाया है, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आ रही है कि कोई भी यहाँ पे अपने आप को परेशान महसूस कर रहा हो। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और मैं यहाँ पे पुनो फॉरेस्ट रिट्रीट टेंट सिटी में यहाँ पे असिस्टेंट फोटोग्राफी मैनेजर पे काम करता हूँ। अच्छा, तो सुमित जी क्या कुछ कार्यक्रम कराए हैं आपने इन 3-4 दिनों में यहाँ? तो अभी जो कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट का जो फेस्टिवल चला हुआ था, इसमें काफ़ी सारे हमारे फेस्टिवल में काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, जैसे कि हमारा बलून राइडिंग हो गया, हॉट एयर बलून हो गया, पैरा मोटरिंग हो गया, जंगल सफारी हो गया, कुछ हमने लोकल एयरक्राफ्ट सॉरी क्राफ्ट स्टॉल्स वगैरह लगाए हुए थे हमने, और हमारे यहाँ पे डेली शाम को एक स्टेज शो रहता है जिसमें हमारा फोक डांस रहता है और कुछ म्यूजिशंस बैंड परफॉर्मेंसेस रहती है। सुमित जी ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है? तो ये फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, इसके बाद हमारी बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी जिसमें सभी देश प्रदेश से और पूरे भारत से या विदेश से लोग आके हमारे टेंट सिटी में बुकिंग्स करा सकते हैं, जिसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेंट फॉरेस्ट कुनो फॉरेस्ट रिट्रीट पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। सुमित जी मोटे तौर पर क्या चार्ज रहने वाली हैं, लमसम क्या चार्ज होंगे एक व्यक्ति के? आप मान के चल सकते हैं 6000 प्लस टैक्सेस रहता है, जिसमें आपका एक नाइट का चार्जेस रहता है और उसमें दो आदमी रहते तो 12000 प्लस टैक्सेस रहते हैं उसमें आपका एक नाइट का ही चार्ज रहता है। अगर आप दो नाइट्स का लेते हैं स्टे, उसमें आपको जंगल सफारी और प्लस सभी टाइम्स का खाना फ्री रहता है। अच्छा सुमित जी, ये सारे प्रोग्राम के बीच के चीताओं को भी दिखाया जा रहा है क्या इस बार? जंगल सफारी हो रही है और ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से 3 चीता ऑलरेडी रिलीज कर दिए गए हैं, तो दिखना तो लक की बात है, दिख भी सकता नहीं भी दिख सकता, बट जंगल सफारी हम जरूर करा रहे हैं। हमारा जंगल सफारी के दौरान अगर वो दिखे